हाय फ्रेंड्स, निशा अग्रवाल की चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और पहली बार हो मेरी चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाना चाहती हूँ जहाँ मैं गई थी 2022 में, और मुझे वो जगह जाकर इतनी पसंद आई, कुछ याद आ गया, अंदर से बहुत मन अशांत भी रहा, शांत भी रहा। मैं आपको उस चीज़ के बारे में बयान नहीं कर सकती, मैं दिखा सकती हूँ कि ये वो जगह है दिल्ली में जहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि है। और इस जगह को पे आप जाएंगे ना तो एक अंदर से अलग ही कुछ फील होगा। आज़ादी के टाइम की वो सारी बातें आपको अंदर अंदर रियलाइज़ होगी, याद आएगी, जो भी हमने देखा है या नहीं देखा है। टीवी पे देखते हैं, आए दिन देखते हैं, गांधी जी के बारे में हम सुनते हैं, वो सारी चीज़ें आँख के सामने हमें पिक के रूप में दिखाई देते हैं। और गांधी जी एक मामूली इंसान थे, लेकिन देखिए आज उनके हो त्याग बलिदान और उनके हौसले से, एक छोटी सी बात से वो आज पूरे देश के राष्ट्रपिता कहलाए। लेकिन उनको ये पद आसानी से नहीं मिला, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत अपने हक के लिए ही नहीं, पूरे देश के नागरिक के हक के लिए उन्होंने वो लड़ाई करी और सब कुछ हासिल किया। हमें वो मान सम्मान विदेशियों से दिलवाया कि काले घोड़े का क्या भेद है, और ये गाना तो फिट होता है, काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले। तो ये गांधी जी की बात है, गाना भी जो बनाया जा गया है वो भी फिट होता है। गांधी जी ने एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, इसलिए कहा जाता है अन्याय कभी सहन नहीं करना चाहिए। पहले ही पहले देखो वो अन्याय कहाँ तक सहन हो रहा है, लोग कितना सहन कर रहे, लेकिन किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। और गांधी जी ने यही सोच के उन्होंने शुरुआत की कि हमें ये काले घोड़े का भेद हटाना है और विदेशियों से आज़ादी भी दिलवानी है हमारे देश को। और जो हम आज एकदम शांति की सांस ले रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, अपने देश में आज़ादी से घूम रहे हैं, ये गांधी जी की बदौलत है, मानो या ना मानो। लेकिन गांधी जी अगर आवाज़ नहीं उठाते तो शायद हमें आज़ादी नहीं मिलती। आज उन्होंने हैं, उन्होंने जो अपने सीने पे गोली खाई, घर का भेदी लंका ढाए, ये बात सच्ची बात है। लेकिन उसके पीछे भी जो लंका ढाता है उसकी भी कुछ मजबूरियाँ होती है। जिसने गांधी जी को गोली मारी, अगर वो नहीं मारता तो विदेशी उनको मार देते, इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई और मारे, इससे अच्छा तो मेरे राष्ट्रपिता को के हाथ को मैं ही लगा दूँ गोली। अगर मेरी कोई बात इस बात से अगर गलत लगी हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, मैंने पढ़ा है उतना ही मैंने बताया, हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ। तो लेकिन वहाँ जाने के बाद उनकी समाधि देखकर एकदम एक तो शांति मिलती है कि देखो एक महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने कितना संघर्ष किया, बाकी तो उनको क्या कमी थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनके दिल में कोई बात चुभ गई जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना संघर्ष किया, सब कुछ किया। और वहाँ अपने को इतनी शांति मिलती है उनको देखकर कि देखो ये गांधी जी के हमने तो कभी देखा नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, शायद आप लोगों ने जो एज वाले उन्होंने उनको देखा होगा, मैंने तो उनको अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ, किताबों में देखा, मूर्तियों में देखा, सब जगह देखा, पर आंखों देखा कभी नहीं देखा उन्हें। तो ये गांधी जी की बात है और ये गांधी जी की समाधि है, जो कि हम लोग, मैं और मेरी बेटी, हम लोग दोनों गए थे वहाँ। कदम रखते ही धीरे धीरे जैसे जैसे कदम बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे एक्साइटमेंट हो रही थी कि हमें वो जगह जाए, वो जगह महसूस करें जहाँ गांधी जी है, उनकी मिट्टी है, उनका शरीर है। और वहाँ एक छोटा सा शब्द लिखा हुआ है, हे राम,
हे राम सुनते ही अपने मन में वो बात होती है कि ये गांधी जी के वर्ड है, ये उनके उनके आखिरी वर्ड है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आखिरी वर्ड होते हैं ना, वो बहुत याद आते हैं हमें। अगर हमारे भी कोई परिचित ऑफ हो जाते हैं तो हम उनके आखिरी वर्ड याद करते हैं कि उन्होंने आखिरी वर्ड क्या बोले थे, वो हमेशा याद रहते हैं। और गांधी जी के ये है राम तो इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, जहाँ गांधी जी की समाधि होगी वहाँ ये राम जरूर लिखा जाएगा। तो मैं आपको भी ये दिखाना चाहती थी, और अगर आप नहीं गए हैं तो आप वहाँ एक बार जरूर जाइए, आपको भी महसूस होगा कि ये गांधी जी थे, ये कल्पना नहीं है, और उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, हमें आज़ादी दिलाई है। ठीक है, अकेले इंसान का नहीं, लेकिन जो पहला कदम उठाता है उसी का हम नाम लेते हैं। बाकी तो हम सभी के, हमारे बुजुर्गों ने भी इस किया आज़ादी में योगदान दिया है, लेकिन जो गांधी जी ने किया वो किसी ने भी नहीं किया है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे और भी इस तरह के मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी, आप देखिएगा। थैंक यू।